मध्य प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता गया, प्रदेश का खरगोन जिला भी इससे छूता नहीं रहा। खरगोन शहर में अभी तक कई कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य प्रणाली तो तैयार की जाती है, मगर बात आती है धरातल पर कार्य करने की। जब शासन के आदेशों का पालन करवाना है, वो भी जनता के बीच। पुलिस महकमे में खरगोन TI ललित सिंह डांगोर और नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते के कुशल नेतृत्व में शहर भर में आम जनता के लिए सुगम व्यवस्थाएं बनाई गई। आम लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन भी करवाया तो दूसरी ओर आम जरूरत का सामान भी मुहैया कराया। COVID-19 से लड़ने वाले वीर योद्धाओं में आज हमारे साथ हैं पुलिस महकमे से खरगोन TI ललित सिंह डांगोर। सर SW24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, एक और सरकारी निर्देशों के का पालन भी लॉकडाउन में आपको करवाना है तो दूसरी ओर आम जनता तक सरल तरीके से आम वस्तुएं भी पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था भी बनाना है, इस स्थिति को कैसे मैनेज करते हो? देखिए, ये वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया पे इस समय संकट है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडे इस मामले में बहुत उदार हैं। जिला प्रशासन भी यहाँ का बहुत एक्टिव और संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली लॉकडाउन का पालन कराना है, क्योंकि इसको महामारी को रोकना है और जब तक कोरोना की चैन नहीं ब्रेक होगी, कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 100% हम लोगों की कोशिश रहती है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन जो कंटोनमेंट क्षेत्र हैं या जो बाहर के क्षेत्र हैं उन लोगों को हमने अलग अलग किया हुआ है। कंटोनमेंट क्षेत्र के किसी आदमी को अंदर जाने से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो उनका पूरा अरेंजमेंट जिला प्रशासन अंदर ही करता है। और कंटोनमेंट क्षेत्र के जो बाहर के लोग हैं उनकी जो दूध वितरण या फल वितरण या और आवश्यक वस्तुओं का या होलसेल किराना का, वो अलग से व्यवस्था की गई है। इसलिए शहर को दो अलग अलग भागों में बांट के हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, कई जगह देखने में आया है कि लॉकडाउन में पुलिस को आम जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये आक्रोश भी झेलना ही पड़ता है, इस स्थिति में क्या होती है स्थिति पुलिस की? जैसा कि आपको मालूम है, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने उसको सहज स्वीकारा था, लेकिन चूंकि अब बहुत ज़्यादा अवधि होती जा रही है, 50-52 दिन हो गए हैं, तो एक स्वाभाविक रोष लोगों में हो सकता है, या किसी के पास कोई आपूर्ति नहीं है, किसी चीज़ की आपूर्ति उनको नहीं हो पा रही है, या वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट अंदर रह के हो चुके हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के साथ आमने सामने उनका होता है, क्योंकि हमें तो लॉकडाउन का पालन कराना ही है। तो ऐसी स्थिति में समझा बुझाकर हिकमत अमली से और जो उनके जवाबदार लोग हैं उनसे संपर्क करके हम उसको निपटारा करते हैं। सर, पुलिस डिपार्टमेंट के जवान भी संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति पुलिस महकमे के लिए भी दिक्कत वाली है, तो इस स्थिति को कंट्रोल कैसे करते हैं? जब ये कोरोना की वैश्विक महामारी शुरू हुई थी उसी समय हमारे पुलिस कप्तान द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता से पूरे विभाग को लगभग चैनल्स के माध्यम से और रोज़ ब्रीफिंग के माध्यम से वायरलेस सेट पर हम लोगों को डायरेक्ट किया गया था। हमने भारी अपने मोटिवेट किया है डिपार्टमेंट को और उसके साथ ही उनको वो सारे तरीके बताए हैं जिससे वो संक्रमण से बच सकें। इवन सैनिटाइज का प्रयोग, लगातार मास्क का प्रयोग, PPE किट का प्रयोग और कहाँ कहाँ उनको क्या क्या सावधानी संक्रमण से बचने की वो की जा रही है। फिर भी एकाध कोई ऐसा लपेटे में कहीं बाहर से आ सकता है, उसकी संभावना बन जाती है, लेकिन हमारा पूरा जवान अब हर चीज़ वो जो करना चाहिए ऐसे में जो तौर तरीके अपनाने चाहिए जो संक्रमण से बचने को उपाय उनका पालन कर रहे हैं। सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट चाह कर भी आम जनता की मदद नहीं कर पाता है, एक तरफ फर्ज है तो दूसरी ओर सरकारी निर्देश है, ऐसे में जनता तक राइट मैसेज जाए, इसके लिए क्या होता है? हम लोगों का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जब इस संक्रमण की स्थिति खत्म हो तो हमारा विभाग एक हीरो बन के उभरे, ना कि विलेन। इसलिए हमें पूरी कोशिश हम लोगों की यही रहती है, हम अपने स्टाफ को लगातार ब्रीफ करते हैं कि लोगों की मानसिकता समझने के साथ उनकी जरूरी आपूर्ति के साथ हमें लॉकडाउन का प्रयोग कराना है। सर, खरगोन शहर के लिए आगे की रणनीति क्या है? जैसा कि आप समझ रहे हैं अभी के कोरोना की स्थिति खरगोन में कंट्रोल में हुई है, जो केसेस जिस स्पीड से बाकी जगह बढ़ रहे हैं, खरगोन में काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं और वो स्टॉप है, जो बढ़ने की गति है, जो परसेंटेज है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरी आवश्यक सामग्री या छोटे मोटे उद्योगों को जिला प्रशासन शुरू कराना चाहता है, जैसे खाद बीज वितरण की दुकानें हैं, किसानों से रिलेटेड चीज़ें हैं, अभी पिछले दिनों हमने मिर्ची बंटवाई थी जगह जगह सोसाइटीज़ के माध्यम से, राशन बंटवाया जा रहा है, तो उनको छूट के दायरे में रखा जाना है, जिला प्रशासन तय कर रहा है। बाकी जो ऐसे कंटोनमेंट क्षेत्र हैं जहां अभी संक्रमण हो सकता है या है,
उन पर हम लोग बराबर नज़र बना के रखेंगे कि उनमें संक्रमण फैलने का खतरा पैदा ना हो। सर धन्यवाद SW24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए, शुक्रिया। देखिए ये सब जानते हैं कि ये संक्रमित वायरस है, इसको बहुत इससे काफ़ी बचाव के निर्देश भी जारी शासन ने कर रखे हैं और सभी को बचना चाहिए, किंतु सफाई भी अनिवार्य है। लोगों को यदि हम सफाई नहीं देंगे तो वो हो सकता है इससे कोई दूसरी बीमारियाँ उत्पन्न हो, इसलिए जनता की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमको सफाई भी करना पड़ रही है। हमारे लोग दिन रात इसमें लगे हुए हैं, हालांकि हम सुरक्षित किट के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम भी लोगों को ये बता रहे हैं कि आप भी सुरक्षित रहे, हमको भी सुरक्षित रखें, आपका परिवार सुरक्षित रखे और कम से कम शहर में गंदगी करें, कम से कम कचरा उत्पन्न करें और अपने आसपास की सफाई की स्वयं जवाबदारी समझें। सर कंटेनमेंट एरिया में साफ़ सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती होगी, स्वास्थ्य विभाग से जाने वाले कर्मचारी भी जाने में दिक्कत महसूस करते होंगे। हमने इसे एरिए में कर्मचारियों को फिक्स कर रखा है, जैसे अमन नगर है, न्यू ज्योति नगर है, ऐसे एरिए में हमने चार चार पाँच पाँच लोगों को वहीं फिक्स कर रखे, वो वहीं रहते हैं और वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, उनको सुरक्षा किट मुहैया कर रखा है, प्रतिदिन अपनी सुरक्षा किट बदलते रहते हैं और अपन सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ कुछ जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि समय समय पर नालियाँ साफ़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गंदगी फैलने से अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। देखिए अभी सुरक्षा की दृष्टि से हमने जिन जिन लोगों में जिन जिन स्थानों पर ड्यूटियाँ लगा रही है, क्योंकि कर्मचारी भी कई कर्मचारी अभी काम चोरी भी कर रहे हैं, आ भी नहीं रहे, कुछ लोग हमारे 50 वर्ष से ऊपर वाले उनको हमने काम से बंद कर रखा है, ऐसी स्थिति में हमारे पास संख्या भी कम है, तो कम तादाद में कम संख्या में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई जगह हो सकता है नालियाँ समय पर साफ नहीं होती है, लेकिन वहाँ भी हम व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। सब कर्मचारियों को किट वगैरह सारी सुविधाएं मिल रही है? बिल्कुल, पूरी सुरक्षा किट दे रखी है, सुरक्षा किट पूर्ण रूप से देख रहे हैं, मास्क देख रहे हैं, ग्लव्स दे रखे हैं और कंटेनमेंट एरिया में हमने व्हाइट PPE किट बांट रखी है उनको, वो पहन के वो अपना काम करते हैं। सर खरगोन शहर की आपने दो स्थितियाँ देखी है, एक लॉकडाउन से पहले चकाचौंध और रौनक से भरा हुआ शहर रहता था और आज सुनसान और सन्नाटा पसरा रहता है, इस स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार हालांकि जो पहले स्थिति अलग थी, सफाई में काफ़ी दिक्कतें आती थी, यातायात रहता था, आवागमन रहता था, तो हमको समय निकाल के सफाई व्यवस्था करना पड़ती, लेकिन अभी भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही लोग अब घरों में हैं, अपने घर का कचरा ऑलरेडी उनका जितना निकलता था डेली का वो बराबर निकल रहा है, हमारी डोर टू डोर गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, केवल सड़क सफाई में काफ़ी फर्क पड़ा है, बाकी इतना कोई प्रभाव सफाई पे नहीं है। सर आम जनता ये मानती है कि स्वास्थ्य महकमा COVID-19 से लड़ने वाले वीर योद्धाओं के रूप में सामने आया है, तो आपको जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का हमारे को भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसीलिए हमारे भी कर्मचारी उत्साह रूप से काम कर रहे हैं, जहाँ भी हमारे कर्मचारी आते हैं कर्मचारी जनता उनको बराबर सहयोग कर रही है, हमने तो डोर टू डोर पे कई जगह पे आदमी भी नहीं रखे, ऐसी ऐसे स्थानों पे कचरा अपने लोग खुद ही अपने गाड़ियों में कचरा खुद ही डाल रहे हैं। सर कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है, तो ऐसे में कैसा मैनेज होता है? वैसे हमने सभी कर्मचारियों और दरोगाओं को समझा के रखा है, उनको निर्देश दे रहे हैं कि अभी देखो माहौल थोड़ा तनावग्रस्त चल रहा है, ऐसी स्थिति में जनता से सभ्यता से बात करें, जनता यदि कोई काम बता रही है उसको सुन ले और जो करने जैसा काम हो तो तत्काल कर दे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।